नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मोदी को फोन पर दी जीत की बधाई, फिर मोदी ने दिए ऐसे खतरनाक जवाब की सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर फिर से सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी और जवाब में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र के शांति समृद्धि के लिए आतंक मुक्त माहौल बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में आगे भी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड जीत से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने रविवार को बताया कि इमरान खान ने पीएम मोदी को फोन कर बधाई दी। उन्होंने चुनाव में जीत की बधाई दी और फैजल ने ट्वीट किया है कि पीएम इमरान ने आज पीएम मोदी से बात की और भारत के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने लोगों की भलाई के लिए दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर काम करने की अपनी पहली इच्छा जाहिर की है। और फैजल ने आगे लिखा कि दक्षिण एशिया में शांति, विकास और समृद्धि के अपने विजन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि वह इन दोनों उद्देश्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने के इच्छुक रहेंगे। इसी के साथ ही बाद में विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी को आज पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने टेलीफोन किया और लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने पड़ोसियों को सबसे पहले वरीयता देने की अपनी नीति के तहत अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से गरीबी से संयुक्त रूप से लड़ने के अपने पहले के सुझाव पर जिक्र भी किया है। और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए आपसी भरोसा पैदा करना व हिंसा और आतंक मुक्त माहौल का निर्माण करना बेहद ही जरूरी काम होगा और पहला हमारा वही काम होगा। बता दें कि इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल था। और बाद में 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप पर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया था और एयर स्ट्राइक में बड़ी तादाद में आतंकी और उसके ट्रेनर मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डे पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद एक समय दोनों देशों के युद्ध के मुहाने पर जा खड़े हुए थे और एयर स्ट्राइक के पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना में घुसकर और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश पाकिस्तान ने की थी और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी वायुसेना के विमान को भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था। और इस हमले के बाद में भारत ने जैसे सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए थे। आखिरकार भारत को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब यूएन में लगातार जैसे सरगना के ढाल बनते आ रहे चीन को उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर समर्थन करने की मजबूर होना पड़ा था और चीन ने भी समर्थन दे दिया था। और दोस्तों, आप भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और भारत माता की जय कमेंट में लिखिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट जान सकें।